रहा था। मेन बात बताओ, जैसे वो होता ठीक है कि नहीं ये बताओ भाई। तो ये बिल्कुल ठीक है, देना ये बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे पति देव जी ने मुझे दिया सरप्राइज। सरप्राइज आप सभी पूरे YouTube फैमिली को, मेरे और मेरे बाबू रप्रीत और मेरे पति देव जी की तरफ से आप सभी YouTube फैमिली को हैप्पी हैप्पी नवरात्रि। तो फ्रेंड आज है नवरात्रि, तो मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। आज का दिन बहुत अच्छा था फ्रेंड, माता रानी आ गई, घर में स्थापना हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज मेरा फास्ट भी है, कौन कौन व्रत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तो मैं व्रत हूँ और मेरे घर में बहुत सारा काम है करने के लिए, बहुत सारा काम, और यही सारी चीज़ें हैं। और कल मेरी ब्लॉग आएगी 11:19 पे, प्रिया लव रोहन शर्मा, 11:19 पे सुबह में। तो आप लोग ज़रूर वेट करिएगा, उस ब्लॉग को देखिएगा, कल तो बहुत हंसी आएगी आप लोगों को। देखिए मेरे साथ हुआ क्या, आज जो हाल हुआ है ना बता नहीं सकते। मतलब कि ये है कि फ्रेंड्स, मतलब पैसे अगर खर्चो तो, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे, पैसे खर्चो तो किसी अच्छी चीज़ पे खर्च करो जिसका फ़ायदा हो हमें। फ्रेंड पैसे भी खर्च कर रहे हो, फिर अच्छा भी ना लग रहा हो, ऊपर से फिर मन भी अजीब सा हो, तो फिर बिल्कुल मन नहीं करता ना पैसे का पैसा खर्च करे। आज पहली बार फ्रेंड्स की मैं आपको थोड़ा हिंट और दे देती हूँ, आज पहली बार मैं गई कुछ सामान लाने, और पता है क्या फ्रेंड, मैं 3-4 शॉप पे गई, मुझे कहीं भी आप जो कहोगे कि मुझे चीज़ें पसंद आई हूँ, कहीं भी नहीं पसंद। पता नहीं आज मेरा मूड इतना ऑफ सा था और गुस्सा भी आ रहा था, चिड़चिड़ सा, जैसा मुझे हैवी सा चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अब ज़्यादा हिंट नहीं दे रही हूँ, आप लोग कल 11:19 पे ब्लॉग आएगी हमारे प्रिया लव रोहन शर्मा बड़े वाले चैनल पर, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज मेरे घर की कंडीशन कुछ ऐसी है, देख लीजिए आप लोग, पूरा फैल रखा है, और ये साड़ी सूड़ी निकाली थी आज मैंने, व्रत थे तो हमने पूजा वगैरह किया, माता रानी की पूरा स्थापना वगैरह किया है, इसलिए मैंने साड़ी रेड कलर की पहनी थी, यही सारी चीज़। और अभी हो चुका है शाम का टाइम, और मैंने सुबह से तो पानी वगैरह तो पिया ही है, मैंने चाय पी लिया, थोड़ा सा सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। चाय नवरात्रि के व्रत में हम चाय पी सकते हैं, आप सभी को पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा से पीते हुए ही चाय हो गया, आलू वगैरह खाती, लेकिन मैंने आलू वगैरह नहीं खाया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चाय पिया, पानी पिया, और मैंने सुबह से बनाना खाया। ले आए जरा दिखा तो दो, खोल तो दो, मैं दिखा दूँ अपने फ्रेंड्स को अपने चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, जानू हमारे लिए क्या मंगवाए हैं, मतलब मुझे भी, मतलब कि मैंने एक दिन बोला कि ये चीज़ मतलब ऐसा ऐसा है, तो मतलब कि अरे फीड कर रहा था, रो रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा है, मतलब इतना ख्याल रखते हैं हमारा, कसम से मेरे पैसे इस चीज़ के पीछे बहुत वेस्ट हुआ। आप देखते हैं, क्या पता ऑर्डर करके मंगवाए हैं, क्या पता अच्छा हो, शायद मतलब कि पता लग जाता है कि ऐसा ऐसा है। कैसा कैसा है, मतलब कि ऐसा है कि मुझे अच्छा है, पसंद आ जाए, देखते हैं। सबसे बेस्ट होता है ऑनलाइन वाला, मुझे ऐसा लगता है, ऑफलाइन भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी अच्छी होती है। क्या हो, फ्रॉड हो गया क्या आपके साथ? देखो जानू, उसको पहले खोलो, उसको खोल के देखो, ये खाली में जो देते उसको पिन डाल के ना, उसको खोल के देखो, पिन देती, अगर ख़राब हुआ तो नहीं निकलेगा। वाह जानू, इतना ख्याल रखते हो मेरा, तू क्या करे तो, ख्याल तो मैं दुश्मन का भी रखता हूँ, दुश्मन तो तुम ही हो। अच्छा ये बात है, वाओ अमेजिंग, एकदम मस्त है, करवा चौथ दीपावली हर चीज़ के लिए। देखना चाहेंगे हमारे पति देव जी हमारे लिए क्या मंगवाए हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वैसे रियल में भी मेरे आंखें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हंस रहे हो क्यों? तो फाइनली मेरे पति देव जी ने पानी है, पूरा निकल रहा है, एक मिनट देना जरा निकले, बस एक मिनट मुझे चेक करने दो। नहीं अच्छा है, थोड़ा लगाओ सही से, उस सूखने के बाद चिपचिपाता है ये, देखो। नहीं नहीं उसको बंद करके ऐसे मिस करो। अरे जानवर, इतना हम तो भाई जितना तुम बता, तुम्हारा नहीं चिपक रहा क्या ये देखो, तो क्या पता मिक्स ना हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पहले उसको बंद करके ऐसे ऐसे करो, दबा दो, ऐसा भी तो खाली पानी सा निकल रहा हो।
ये स्लिप हो रहा है, स्लिप हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, रहने दो। ऐसे ऐसे क्या कर रहे, दिखाऊं क्या आपको? उधर मैं देखिए, उधर मेरी माता का मंदिर है, जो कि कल ब्लॉग आएगी, आप लोग कल देखिएगा, अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज। हाँ जानू ठीक है, तभी नहीं हो रहा था। मेन बात बताओ, जैसे होता वो ठीक है कि नहीं ये बताओ भाई। तो ये बिल्कुल ठीक है देना, ये बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे पति देव जी ने मुझे दिया सरप्राइज। सरप्राइज में क्या? आईलैशेस बहुत सारा। हाँ तो तुम्हें एक कितने मिला था ये? एक मुझे 70 रुपए का, कहीं 100 रुपए का एक मिलता था। और तुम्हें बताऊं, ये है बड़ा सही बात है। हाँ बहुत सही है, दिखा ना जानू, एक मिनट दिखा दूं। बिल्कुल जो साइज मुझे चाहिए था ना फ्रेंड, बिल्कुल वही साइज है। हेलो, ये देखिए। किधर हो भैया? कहाँ है भाई? घर पे। जब बंद कर दो यार, वैसे डब्बे में ही डाल दो। थैंक यू सो मच, आपने इतना हमारा ख्याल रखा, तो यही इन्होंने गिफ्ट दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं और मेरा क्यूट सा बेटा। फ्रेंड्स रपरी को बहुत कम लाती हूँ ब्लॉग में, इसलिए क्योंकि मेरा बेटा जो है ना। और फ्रेंड्स आज ना मैं अपने वहाँ पे गई थी रूम पे, कुछ सामान वगैरह भी लेके आई हूँ, कपड़े लत्ते भी लेके आई, लेकिन मैंने वहाँ की ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। मैं गई थी आज देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं रूम मतलब क्या हो गया नहीं हो गया। मैं पैसे दे रहा हूं, पार्सल ले रहा हूं, मैं ना ये सर्वर नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास भाई ऑनलाइन पड़ा है, कैश नहीं पड़ा हुआ है। तो एटीएम पड़ा है तुम्हारे पास? तो फ्रेंड्स यही सारी, मैं गई थी रूम पे अपने, जहाँ पे मैं रहती थी अपने सपनों के घर में। तो वहां से मैं कुछ चीजें लेके आई हूँ, जैसे कि ये सस्पेन वगैरह मैं ले आई हूँ, और कुछ कपड़े वगैरह भी था, ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये सारे कपड़े वगैरह मैं गई थी, जब मैं कहीं बाहर भी गई थी, मैं बता रही हूँ। तो वो ब्लॉग सारी मेरी कल आएगी 11:19, बड़े वाले चैनल प्रिया लब्रोहन शर्मा पे आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं गई थी, तो उसके बाद से मैं उधर से उधर मैं वहाँ चली गई थी रूम पे अपने, जहाँ मैं अपने सपनों के घर में रहती थी। तो वहाँ से मैं कुछ सामान जो जरूरत के थे, वहाँ छोटी छोटी कटोरियाँ थी जिसमें भगवान जी का भोग वोग लगाने के लिए, तो वो मैं लेके आई। इसलिए मैं बता रही फ्रेंड, आप लोग भी सोचोगे ना, रील्स वगैरह बनाना था फ्रेंड, मेरे पास कपड़े सारे वहाँ पे पड़े हुए थे, ये सारे कपड़े सब मैं लेके आ गई, तो मुझे रील्स भी बनाना था। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रप्रीत प्रिया 7270, जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और अभी बहुत सारा काम है, और भी मैं कुछ लेके आई हूँ जो कि मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, अभी धीरे धीरे दिखाऊंगी आप लोगों को। जब मैं रील्स बनाऊंगी, आप लोग रील्स में ज़रूर देख लेना। ये सारी चीज़ें कहनी थी, और क्या बोलना था, और कौन कौन व्रत है, फास्ट है, बताइएगा। और अभी हो चुका है शाम का टाइम, मैं जा रही हूँ माता रानी का जो भी आरती वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है। और हाँ फिर मैं पूरा व्रत नहीं रह रही हूँ, आगे पीछे बिना आज रहूँगी, कल फास्ट तोड़ लूँगी, व्रत तोड़ लूँगी, फिर लास्ट में जो होता है उसमें रहूँगी। क्योंकि मेन बात ये हो जा रहा ना फ्रेंड, इसलिए मैं ऐसे रह रही हूँ, क्योंकि आज रहूँगी फिर लास्ट वाला, कल टूट जाएगा। हाँ तो कल क्या, आज रात को फिर टूट जाएगा? अरे अरे भाई तुम पागल हो चुकी हो क्या? क्या अब कल का मतलब क्या होता है? रात को 12 बजे बज गए, कल हो गया, मतलब रात को खा रहे? नहीं नहीं, तो कुछ स्पेशल ला रहे हो क्या मेरे लिए? है पता है क्या फ्रेंड, आप लोगों को बताना भूल गई, ब्लॉग आएगी कल, वो सारी चीजें कल वाली वीडियो में ही है, 11:19 पे आएगी। प्रिया मैं बस में बैठी हूँ, मुझे कह रहे मैं तुम्हारे लिए ना पिज्जा लिया हूँ, पिज्जा, और मुझे भी ध्यान नहीं कि मैं आज मेरा व्रत है, कि मैं तुम्हारी पिज्जा लिया हूँ, बस में पकड़ा दूँ क्या? बस के पीछे पीछे खुद आ रहे हैं, है? मैंने कहा, मैंने भी पूछा, हाँ हो सकता तो पकड़ा दो। अच्छा मैंने कहा चलो घर में जाके खाएंगे, मुझे याद नहीं मैं व्रत हूँ। उसके बाद पता लगा खुद के लिए समोसे लेके आ, गपा गपा के घर में खा लिए। मतलब ऐसा भी कोई करता है व्रत, तू इस तरह नहीं करना चाहिए था, मतलब कुछ भी जानू जाके पानी भर लो यार। क्या कर रहा है प्रीत तू? अपने पापा के घर जाना यार, ओ भर लो पानी यार, आज व्रत हूँ, आज के दिन तो थोड़ा राहत दे दो, पता नहीं बुढ़ापे तक तो कहानी बना काम कर करके खिलाऊंगा। तू ठीक है नहीं, तू करेगा भाग यहाँ से, ये बहुत तेज हो चुका है। जब देखो तो फ्रेंड क्या करता है, अपने जूते चखता है, ऐसे नहीं खुले पैर होगा तो अपने जूता चखेगा, उसके बाद ये बाहर की ओर जाएगा, अपने जूते लेके जाता है। अगर खुला अगर पहन रखा तो फिर रिंग 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 करते गैब हो जाता है, ऐसा है मेरा बच्चा। अब धीरे धीरे दिमाग जो आ रहा है इसको,
बहुत ज्यादा परेशान करता। अभी अभी बैठा है ना संध्या, अभी मुझे देखेगा ना, मैं इधर उधर हो रही हूँ तो रोएगा कि मुझे बाहर लेके चलो, बाहर घुमाओ। बहुत रोता है। और एक ये जो है, ये तो घुमाते हैं नहीं इसको। अभी 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 दिखा रही हूँ आप लोग क्या कर रहा है। यहाँ बैठा हुआ है अभी, पता हूँ क्या कर रहा है, जान दिखाने दे रहा अपना वो। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, ये पट्टी बंद है ना इनके पैर में, इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा है पैर में जानू को। मतलब कि माँ आप लोगों ने स्टोरी देखी कि नहीं देखी है इनको, मतलब बहुत दिनों से, जब मैं यहाँ नहीं थी उससे पहले से है। तो ये ना दर्द होता रहता है, तो रपरी जग ना उसको कस कस के दबाता है, ऐसे करता है ये, ऐसा मेरा बच्चा है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो कहीं पर एंड करना चाहेंगे। सभी को बाय बाय, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग के साथ। जो हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दें। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rapreetpriya7270, जाके फॉलो कर लें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, करना ना भूलें। हो सके तो शेयर भी आप लोग अपने फ्रेंड लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर कर दें। चलिए सभी को बाय बाय, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे चलते चलते, आप लोग भी प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और फिर से मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बाय बाय, लव यू ऑल।